आज बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने हाथ से निकली बाजी पलटी है वो भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि अब से ठीक 24 घंटे पहले लग रहा था कि बिहार में सत्ता की बाजी एनडीए के हाथ से निकल जाएगी, लेकिन दिल्ली से गए एक फोन कॉल ने वहां का सीन बदल दिया। कल तक तेजस्वी खेला करने की बात करते थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट हुआ तो उन्हीं के साथ खेला हो गया। इस पर बीजेपी क्या कह रही है, सबसे पहले मैं आपको वही दिखाता हूं। खेला करेंगे तो आपको याद होना चाहिए ये बीजेपी है, ये आपसे ज्यादा बड़े खिलाड़ी हैं और हम लोगों ने उनके 3 विकेट उड़ा दिए और हमारी संख्या, हमारा एक विधायक भी नहीं टूटा। बहुत ईमान खरीदने की कोशिश की गई, बहुत उनको लालच दी गई, लेकिन हमारा विधायक पूरी तरह इंटैक्ट रहा। अब भाप वाला इंजन हट गया, अब वंदे भारत मोदी का इंजन लग गया है। ये सरकार पूरा कार्यकाल अपना पूरा करेगी। तो बिहार की बाजी एनडीए ने बेशक जीत ली है, लेकिन यह मुकाबला ऐसा था जिसमें आखिरी वक्त तक सबकी सांसें अटकी रही। कल रात 8 बजे तक यही लग रहा था कि सत्ता की बाजी एनडीए के हाथ से फिसल सकती है। सारे डेवलपमेंट इसी तरफ इशारा कर रहे थे। बिहार में फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले जेडीयू के 4 विधायक अचानक पार्टी के रडार से बाहर हो गए। 4 विधायक वाले जीतन राम मांझी भी एनडीए की कमजोर कड़ी के तौर पर दिखाई देने लगे। मांझी ने 10 जनवरी को लेफ्ट के विधायक महबूब आलम के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद खबरें आ रही थी कि मांझी पाला बदल सकते हैं। जब भी नीतीश ने आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी की मदद से सरकार बनाई थी, तेजस्वी तभी से कह रहे थे कि बिहार में खेला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जेडीयू के विधायकों के रडार से गायब होने के बाद और मांझी को लेकर जो खबरें आ रही थी उनमें सत्ता पक्ष की चिंता बढ़ी हुई थी। लेकिन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चले एनडीए के मिडनाइट ऑपरेशन ने पूरा का पूरा सीन बदल दिया। सियासी रणभूमि भले ही पटना की थी, लेकिन इन 12 घंटे तक नीतीश कुमार के साथ मिलकर अमित शाह दिल्ली से ही बिहार की राजनीति को हैंडल करते रहे। अमित शाह ने एचएएम के संरक्षक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने मांझी को 2 बार फोन किया। दोनों के बीच दोनों ही बार काफी लंबी बातचीत हुई। बातचीत में किसने क्या कहा यह तो पता नहीं चला, लेकिन हां यह पता जरूर चला है कि बातचीत हुई है। लेकिन पटना में इसका असर साफ दिखाई देने लगा। सुबह फ्लोर टेस्ट के लिए जीतन राम मांझी जब बिहार विधानसभा पहुंचे तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी थे। मांझी के साथ नित्यानंद राय की मौजूदगी अपने आप में बड़ा मैसेज था। यह साफ समझ में आने लगा था कि मांझी मान चुके हैं, वो एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष की मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं थी, मुश्किलें और भी थी। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब जेडीयू की विधायक भीमा भारती, दिलीप राय का आता पता नहीं था। बीजेपी के 3 विधायक रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव भी सदन में नहीं थे। बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार कह रहे थे कि उनके सारे विधायक सदन में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां से जिस तरह विधायकों को तोड़ने की कोशिश किए जाने की खबरें आ रही थी वो एनडीए की चिंता बढ़ा रही थी। हालांकि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप लगातार एक्शन में थी। विधानसभा में सत्ता पक्ष के फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति का असर भी कुछ देर में दिख गया। जेडीयू की विधायक भीमा भारती और बीजेपी की विधायक रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव एक एक कर सदन के अंदर पहुंच गए। इसके बाद जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने सिर्फ बहुमत ही हासिल नहीं किया, संख्या बल से ज्यादा वोट भी लिए। माननीय सदस्यगण, हां के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। 129 है, देखो आप भी बैठे हो। 130 हुए। 130 उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। तो देखिए, जब विश्वास मत पर बहस के बाद वोटिंग की बारी आई तो महागठबंधन के सारे विधायक सदन से बाहर चले गए। यह बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस दिन पाला बदलकर एनडीए के साथ गए थे, तेजस्वी और उनकी पार्टी के लोग उसी दिन से कह रहे थे कि नीतीश बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे।
खेला हो जाएगा। खेला तो हुआ, लेकिन आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ ही पूरा खेला हुआ। यह आंकड़े देखिए जो अपने आप में एक बड़ी कहानी बयां कर रहे हैं। बिहार में विधायकों की कुल संख्या 243 है, इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा 122 का हुआ। फ्लोर टेस्ट से पहले तक एनडीए के नेता 128 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे थे, लेकिन उन्हें 129 वोट मिले हैं, जो अपने आप में तस्वीर साफ करते हैं। मतलब जेडीयू और बीजेपी ने अपनी तरफ से जितने वोट का हिसाब लगाया था फ्लोर टेस्ट में, उन्हें उससे भी एक वोट ज्यादा मिल गया। यहां यह बात समझना जरूरी है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, विधायक दोनों तरफ के टूटे, यह अलग बात है कि किसी के कम टूटे किसी के ज्यादा टूटे। जेडीयू के 45 विधायक हैं, लेकिन उसके एमएलए दिलीप राय सदन में नहीं पहुंचे। इस हिसाब से एनडीए का वोट 128 से घटकर 127 होना चाहिए था। इसके अलावा जेडीयू की माहेश्वरी हजारी डिप्टी स्पीकर है, वो सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे, अध्यक्ष के आसन पर थे, उन्हें भी वोट नहीं डाला। इस हिसाब से एनडीए को 126 वोट मिलते, लेकिन उसे 129 वोट मिल गए। दरअसल आरजेडी के तीन विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी ने नीतीश के पक्ष में वोट डाल दिया, और इस तरह नीतीश के समर्थन में डाले गए वोट की संख्या 129 हो गई। तो ये वो पूरा आंकड़ा था। बीजेपी और जेडीयू ने बिहार में अपनी सरकार ही नहीं बचाई, विपक्ष के तीन विधायकों को भी अपने पाले में खींचकर यह बता दिया कि रणनीति अगर मजबूत हो तो हर मुश्किल बाजी आसानी से जीती जा सकती है। वैसे आज जो बिहार में हुआ उसका असर सिर्फ सूबे की सत्ता तक नहीं रहेगा, आगे तक यानी लोकसभा चुनाव तक भी इसका असर दिखाई देगा। अल्टीमेटली लोकतंत्र की विजय हुई और इससे 2024 का रास्ता भी आसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी के मिलन से और अन्य सहयोगी दलों के मिलन से पिछली बार हम 39 सीटें जीते थे, इस बार हम 40 सीटों पर जीतने में कामयाब होंगे। दोनों मिलकर के 400 के आंकड़े को पार करने की दिशा में अग्रसर है। तो बिहार के बहुमत परीक्षण ने 2024 के चुनाव से पहले एनडीए को नया बूस्टर डोज दे दिया है, और 400 पार वाला टारगेट हासिल करने के लिए बीजेपी ने एक नया दांव चल दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।